देखते हैं ना। ये राहुल मेठानी जी का पार्सल पैक कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा भाई। ये नॉवल्टीज़ और ये भी कॉमिक्स, और अभी 2-4 दिन तक मैं बिजी हूँ, तो हो सकता है मंडे को आपका पैक ये भेज ही दूँगा मैं। थोड़ा देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। टॉक डाइजेस्ट वन और धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बड़ोला, और आज मैं आपको ले लेके आया हूं नागराज का सफ़र। जादू का शहंशाह के बाद जो नागराज की कॉमिक्स आई थी वो थी नागराज और भुगाको। कहते हैं ये वाली कॉमिक्स बेस्ट सेलर थी अपने टाइम पे, इसकी बहुत कॉपियां बिकी थी, और हकीकत भी है ये, क्योंकि जब मैं उस टाइम बच्चा था तो मैं इसे लेने गया था। इसका मूल्य 15 रुपये था और मैं अपनी मम्मी से पैसे लेके गया था, और जब मैं उसे लेने गया तो मेरे पास या तो 1 रुपया कम था, इतना याद नहीं है, या फिर मैं ये वो 16 रुपये की दे रहा था, क्योंकि आते ही बिक गया था इसका सेट। और ये कट्टे कट्टा जो एक बोरा कहते हैं ना, जैसे बोरा होता है, जैसे सब्जी वाला बोरा होता है, उसमें भर भर के सेट आ रहे थे इसके। और तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं भाई, मुझे दे दे प्लीज़ यार। तो उसने कहा नहीं भाई, 1 रुपये ज़्यादा में, 16 रुपये में, ब्लैक में आ रही है वहाँ से। तो उन्होंने क्या कहते हैं मुझे, मैंने कहा यार किसी लेनी तो थी मुझे, मैंने कहा लेनी तो है, ये लेके जाऊंगा ही मैं, खैर क्या करूँ जुगाड़ का। फिर मैंने कहा ऐसा है, इसके साथ एक मैग्नेट स्टिकर था उस टाइम ध्रुव का, जो छोटा सा था वो, शायद क्लासिक ध्रुव का था, मैं अभी दिखाऊंगा। रीलॉन्च भी किया था अभी मनोज जी ने, मनोज गुप्ता जी ने भी ध्रुव की कॉमिक्स के साथ वो रीप्रिंट हुआ था, वो फ्री आया था इसके साथ। तो मैंने कहा वो मैग्नेट स्टिकर मुझे मत दे दीजिएगा, और मैं बाद में ले जाऊँगा, जब 1 रुपया दे दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा फिर कॉमिक्स ही दे दो मुझे आप, कोई नहीं मैग्नेट स्टिकर मत दो। तो उन्होंने फिर ये किताब दे दी मुझे, नागराज और भुगाकू। इसका अपने आप में बहुत क्रेज़ था। इसके बारे में एक और बात बताऊं मैं आपको, इससे पहले नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव आई थी, उससे पहले ध्रुव के जो कवर आर्ट थे वो पहले विजय कदम जी बनाते थे, आपने देखा होगा, फिर उनके बाद दिलीप कदम जी बनाते थे, तो वो ही रेगुलर बनाते थे उनके आर्ट, कवर आर्ट। लेकिन जब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कवर आर्ट ध्रुव प्रताप मलिक जी ने बनाया, तो उसमें आप देखेंगे कि एकदम कवर आर्ट ऐसा लग रहा है जैसे ध्रुव ही है असलियत का। तो उसके बाद से ही ध्रुव के कवर आर्ट प्रताप मलिक जी बनाने लग गए थे। ग्रैंड मास्टर वो में देखा आपने, ये भुगाकू में देखा, और ध्रुव की आवाज़ की तबाही, जितने भी उसके बाद कवर आर्ट आए थे तो ध्रुव के, तो प्रताप मलिक जी ने बनाए, और बहुत उम्दा बनाए, जो देखते ही क्या कहने लगता था कि यार ख़रीद लो यार। वीडियो विलेन का कवर आर्ट देखेंगे आप, और इसकी ये एक, इसके बाद थी अजगर का तूफान, नागराज और भुगाकू के बाद। अजगर का तूफान का कोई ऐड नहीं था दिखाया ऐसे, ये जो नागराज अजगर से लड़ रहा है, कोबरा घाटी के साथ एक पोस्टर लॉन्च हुआ था नागराज का, उसी को क्या कहते हैं इन्होंने अजगर का तूफान का ऐड बना दिया था शायद उस टाइम। तो ये अजगर का तूफान था, और अजगर का तूफान के बारे में, अजगर का तूफान इसके बाद वाली किताब में करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ झलक। ये ओरिजिनल नागराज और भुगाकू है, बाद में दिखाऊंगा आपको इसके साथ कौन सा स्टिकर आया था। ध्रुव के सारे विलेनों से इसमें लड़ता है दोबारा से ध्रुव। संजय गुप्ता जी ने इसकी स्टोरी ली है, इसकी स्टोरी देखेंगे आप तो संजय गुप्ता जी ने, चित्रांकन प्रताप मलिक जी ने, मनीष चंद्र गुप्ता जी का संपादन।
यहाँ ये ज़रा कलर प्रिंटिंग इसकी ख़राब है मेरे को जो मिली थी, तो मैं एक अभी ये RCSG और RCMG में भी रीलॉन्च हुई है, तो मैं इसे एक बार ज़रूर ख़रीदूँगा, क्योंकि इसमें ग्लॉसी में प्रताप मलिक जी की आर्ट मैंने देखे, नागराज की बहुत उभर के आती है, तो बुकाकू एक बार मैं लेऊँगा वहाँ से। देखेंगे उसके बाद तो किरकी का घर में भी प्रताप मलिक जी ने ही कवर आर्ट बनाया था, चैंपियन किलर में भी, आखिरी दाव में भी जैसे मैंने कहा, और ये इसके पहले ऐसे ऐड आते थे। तो अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।